सब लोग आ गए हैं। दीपा दी और सिद्धा नहीं आई। बाबुल भी नहीं है। बाबुल तो था भी। आ जाओ जल्दी जल्दी सब। कैसे खत्म होगा सिलेबस भैया? जल्दी जल्दी करोगे तब ना, हमको और भी सब में काम में लगा देता। अभी गलती तुम लोग का, अभी पार्ट वन का प्रैक्टिकल का दे दिया और 3 कॉलेज का लगा दिया। 250 स्टूडेंट, 30 30 का बैच बना के करेंगे। अब 8 दिन तक एग्जाम ही लेते रह जाते। जा करके कैंसिल करवाए, क्या तरीका है ये? सबको देखना पड़ता है। जल्दी आ जाओ। आ गया सब लोग? शुरू करें? यस सर। दीपा दी नहीं आई है। चलो कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, जो नहीं आएगा वो देख लेगा। तो इसको स्यूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है? अगर पूछा जाए व्हाट इज स्यूडो कॉपुलेशन, देन यू विल स्टेट इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजर इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स वेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, द एग्स एंड स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इन वाटर एट अबाउट द सेम टाइम एंड प्लेस, ठीक है? स्यूडो कॉपुलेशन क्यों बोले? क्योंकि इसमें कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं लग रहा है, इसीलिए स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स, ठीक है? क्या क्या लग रहा है इस कॉपुलेशन में? उन दोनों का आदत कि एक ही टाइम पर दोनों और एक ही जगह पर दोनों डिस्चार्ज हो जाएगा, तो सेक्स सेल्स जो है यूनाइट हो जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मेल फ्रॉग क्लैश द फीमेल एंड पोर्स इट्स सेमिनल फ्लू ओवर द एग्स एज एक्सट्रूडेड। ओके, द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स हैव देयर सेक्स सेल्स यूनाइटेड विद इन द जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। यानी रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में क्या हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज अकॉम्पलिश्ड बाय सेक्सुअल एम्बरेस कॉल्ड एज कॉपुलेशन और क्वाइटस। तो इसके लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल का आपस में एक दूसरे के फिजिकल टच में, बॉडी का फिजिकल टच में आना जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर यस सर, डिफरेंस यस आ सर। जाए एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, तो ये पॉइंट भी नोट करो, लिखोगे कि दोनों का, क्योंकि दोनों का मेल गैमिट्स जो है वो एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो रहा है बाहर के मीडियम में, तो दोनों के बॉडी को सटना जरूरी नहीं है, मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स में जहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर करने के लिए कोपुलेशन और क्वाइटस का टर्म क्या है? क्वाइटस और कोपुलेशन नेसेसरी। क्या है ये? सेक्सुअल एम्ब्रेस है, ठीक है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द इंट्रोमिटेंट ऑर्गन यानी कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल इंट्रोड्यूसेस द स्पर्मेटिक फ्लूइड और सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट एंड दिस एक्ट इज कॉल्ड एज सेमिनेशन। तो यही कहानी है सेमिनेशन का। इतना पूरा जो बताया कैसे हुआ सेमिनेशन, ठीक है? सेमिनेशन, सेमिनेशन मतलब क्या? डिस्चार्ज ऑफ सीमेन फ्रॉम कॉपुलेटरी ऑर्गन, या जिसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है उसमें भी डिस्चार्ज ऑफ सीमेन होगा, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें भी सेमिनेशन होगा, लेकिन जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें जब सेमिनेशन होगा तब डिस्चार्ज जो है वो किससे होगा? इंट्रोमिटेंट ऑर्गन या कॉपुलेटरी ऑर्गन से।
करेक्ट है? चलो यस सर। अब स्पर्म और सीमेन डिस्चार्ज, छोटा सा पॉइंट है, इसको तुम लोग देख लो। ड्यूरिंग क्वाइटस यानी कोपुलेशन, जब मिलन हो रहा है, ड्यूरिंग क्वाइटस व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ मेल रीचेज क्लाइमेक्स, इजेकुलेशन ऑफ स्पर्मेटिक फ्लूइड यानी सीमेन टेक्स प्लेस। ठीक है, इजेकुलेशन कब होता है? व्हेन देयर इज क्लाइमेक्स। ठीक है, इजेकुलेशन हमेशा नहीं होगा, जब क्लाइमेक्स पर रीच करेगा मेल तब इजेकुलेशन होगा। ड्यूरिंग इजेकुलेशन इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होता है? जब इजेकुलेशन हो रहा होता है तो उसको रोक नहीं सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री इंट्रैक्शन। आउट ऑफ हैंड है, वो रोक नहीं सकता है। इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शंस इजेक्ट स्पर्मेटोजोआ अलोंग विद द सिक्रीशंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, बता चुके हैं, स्पर्मेटोजोआ भी आएगा यानी टेस्टिकुलर सिक्रीशन प्लस सेमनी फिर सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, फिर आगे चल के एक और है ग्लैंड जिसका 1% रहता है उसका भी, सब मिलके तो वो सारे एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन एंटर इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब सीमेन के कंपोजिशन पर आते हैं, हम बता चुके हैं थोड़ा बहुत क्लास के स्टार्ट में ही ये पॉइंट, फिर भी फिर से देख लो। द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन इन ये क्या द वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन मैन इज अबाउट 3.5 ml पर इजेकुलेशन, इट कंटेन्स ऑन एन एवरेज, ये कितना हुआ 350 मिलियन, ये 6 सुन्ना है ना, 3 3 6 सुन्ना होता है 1 मिलियन में, तो 350 मिलियन है ये, 350 मिलियन स्पर्म। द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सेमिनल ट्रैक्ट एंड अदर रिलेटेड ग्लैंड्स, बहुत बार बार बता चुके हैं। सीमेन इज स्लाइटली अल्कलाइन विथ ए पीएच रेंजिंग बिटवीन 7 to 7.5, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं होता है, 7 इज द फिजियोलॉजिकल पीएच और से न्यूट्रल पीएच, 7 से ऊपर जो भी होगा वो अल्कलाइन होगा, तो 7 से 7.5 ही है, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है। द सीमेन इज ए लिम्फ लाइक सब्सटेंस, लिम्फ क्या होता है आपके बॉडी में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड, लिम्फ एंड ब्लड, तो ब्लड जो है आपका रेड है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं लेकिन रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रिमेंडस है, उसका रिपर्टोयर जो है बहुत ज्यादा है, कई गुना है रेड ब्लड सेल, इसलिए वो पूरा लाल दिखता है क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। बट इन लिम्फ रेड ब्लड सेल्स आर नॉट देयर, आरबीसीज आर देयर, ठीक है, सॉरी डब्ल्यूबीसीज आर देयर, सो दिस इज लिम्फ लुक्स लाइक व्हाइट, व्हाइट कलरलेस ओपेक समटाइम्स, तो उसी के जैसा सीमेन भी होता है। द सीमेन इज ए लिम्फ लाइक सब्सटेंस कंटेनिंग मेनी एंजाइम्स, नॉरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज एंड प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें ग्लूकोज नहीं होता है एज ए नॉरिशमेंट, एनर्जी, एनर्जी स्पर्म को कहां से मिलेगा, ग्लूकोज किसी भी सेल को एनर्जी कहां से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, लेकिन यहाँ फ्रुक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1-glycolysis, अगर याद हो आपको, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट बनता था, ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट से ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट और ग्लूकोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, यहाँ डायरेक्ट फ्रुक्टोज को ही ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करा दिया गया ताकि छोटा हो जाए पाथवे, और फ्रुक्टोज को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया है, तो एंड फ्रुक्टोज इज स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट आउट ऑफ ऑल सिंपल शुगर्स, सारे सिंपल शुगर में, इसीलिए कोई भी फल जो है बहुत मीठा होता है, इसका नाम भी फ्रुक्टोज इसलिए है, इसका स्वीटनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है फ्रुक्टोज, ओके, एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी है, एंड दोज केमिकल्स विच प्रोटेक्ट द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ जब बाहर निकलेगा कोपुलेटरी ऑर्गन से बाहर निकलेगा तो पता नहीं कितना तरह का उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा, इवन इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आल्सो,
देयर इज अ डिफरेंट एनवायरमेंट, तो वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेस होगा, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, बहुत तरह का है, तो दैट गिव्स इट अ ओके. चलो, इन मैमल्स लाइक माउस, रैट, गिनी पिग एटसेट्रा, द सीमेन कोगुलेट्स इनटू अ सॉलिड मास. हाँ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए. यानी ये सब क्या है, माउस, रैट एंड गिनी पिग क्या है, मैमल्स है, ठीक है. इन दीज टाइप ऑफ मैमल्स, नॉट इन ऑल मैमल्स, इन दीज टाइप ऑफ मैमल्स, किसके जैसा, माउस, रैट और गिनी पिग टाइप का मैमल्स में सीमेन कोगुलेट्स इनटू अ सॉलिड मास, और उसको क्या बोलते हैं, वेजाइनल प्लग. ये कोगुलेशन कहां होता है, सीमेन का, जहां पर ये प्लग बना, यानी वेजाइना में, द वेजाइनल प्लग. सीमेन जैसे ही वेजाइना में गया तो वह सीमेन जो है वेजाइनल प्लग के रूप में वो कोगुलेट कर गया, एंड दैट कोगुलेटेड मास इज कॉल्ड वेजाइनल प्लग. वंस इट रीचेस द वेजाइना ऑफ द फीमेल, वेजाइनल प्लग बनने से क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि एक बार सीमेन वेजाइना में गया तो वो वेजाइना से फिर बाहर नहीं आएगा. किसमें जरूरत है, माउस, रैट और गिनी पिग में. वंस इट रीचेस द वेजाइना, द प्रोबेबल फंक्शन ऑफ द वेजाइनल प्लग इज टू प्रिवेंट द सीमेन फ्रॉम सिपिंग आउट ऑफ द वेजाइना. प्रोबेबल है, अभी भी पूरा अच्छा से इन लोगों को पता नहीं है, रिसर्च चल रहा है क्यों वेजाइनल एग्जैक्ट फंक्शन क्या है. तो प्रोबेबल फंक्शन बताया कि बाहर ना आ जाए वेजाइना से सीमेन, इसलिए वेजाइनल प्लग बना. The coagulation of semen also run occurs in man. Man, vaginal plug जो है man में नहीं होता है, humans में नहीं होता है, लेकिन coagulation होता है. यहाँ पर coagulation बहुत ज्यादा हो गया, हो जाता है, पूरा थक्का जैसा बन जाता है, इसलिए इस पूरे plug, इसको एक अलग नाम ही दे दिया, vaginal plug. But in humans, coagulation also occurs in human, boar, etc. But not in dog, bull. And many other mammals. Humans, semen coagulate immediately after discharge. जैसे ही discharge होता है, semen जो है coagulate हो जाता है. But liquefies a short time afterwards. थोड़ी देर के बाद वो फिर से उसका द्रवीकरण हो जाता है. Due to the presence of enzymes, fibrinogenase and fibrinolysin. ठीक है, बस इतना जान लो क्यों होता है, अभी research चल रहा है इस पर. सीमेन कैरीज द फॉलोइंग functions. तो आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फंक्शन समझ लिया. अब सीमेन का फंक्शन क्या है, तो सीमेन का फंक्शन भी वही है जो स्पर्म का फंक्शन है, प्लस और भी, क्योंकि प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म्स. स्पर्म के लिए फ्लूइड मीडियम है उनके ट्रांसमिशन के लिए इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल. नॉरिसेज एंड एक्टिवेट द स्पर्म. स्पर्म के लिए सब एनर्जी, फ्रुक्टोज वगैरह, प्रोटीन, अदर बायोमोलिक्यूल सब इसी में प्रेजेंट रहते हैं. एसिडिटी ऑफ द वेजाइना ऑफ फीमेल. चूंकि ये अल्कलाइन है और वेजाइना ऑफ द फीमेल एसिडिक होता है, तो दोनों में अल्कलाइन हो जाता है. प्लस ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, सीमेन में ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड भी होता है जिससे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है. तो इस टेबल को आप लोग देख लेना थोड़ा डिटेल में, मैं पढ़ देता हूँ. ये तो अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन तो समझा दिया है, ठीक है. तो टेस्टिस में क्या क्या होता है ये समझ ही गए आप लोग. सेमिनल वेसिकल्स 75% है, इसमें क्या क्या रहता है, अमाइनो एसिड्स है, साइट्रेट, एंजाइम, फ्लेविन्स, विटामिन है, फ्रुक्टोज भी इसी में है, यानी 2-5 mg/ml ऑफ द सीमेन इज फ्रुक्टोज. The main energy source of sperm cells rely entirely on sugars from the seminal plasma for energy. Phosphorylcholine, prostaglandins involved in suppressing an immune response of male against the foreign semen. Proteins and vitamins. The prostaglandin का क्या काम है? Prostaglandin का काम है कि semen को ही वो foreign ना समझ के उसके against immune response generate नहीं हो जाए female में, तो prostaglandin immune response सप्रेस कर देता. इस टेबल को याद रख ले, कर लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है. कंपोजिशन ऑफ सीमेन का सवाल रहेगा तो उसमें भी ये काम आएगा आपका. बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन है, उसमें भी ये पूरा टेबल काम आएगा, ठीक है. प्रोस्टेट का क्या क्या होता है कंपोजिशन, प्रोस्टेट में भी एंजाइम्स है, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है, साइट्रिक एसिड है, फाइब्रिनोलाइसिन है. फाइब्रिनोलाइसिन वही एंजाइम जो है जो कोगुलेशन के बाद उसको लिक्विफाई करता है वेजाइनल प्लग को. प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA,
ठीक है, ये एक मार्कर है एक्चुअली प्रोस्टेट में। आप लोगों को अगर जनरल नॉलेज ठोस होगा, तुम लोग पढ़ते होगे, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर्स व्हिच इज प्रिवेलेंट इन ह्यूमंस। ठीक है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर एंड इन फीमेल ब्रेस्ट कैंसर। प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट बोथ आर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। यस सर, ऑर्गन्स में ही कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका वजह देखो, इसी में एक सरफेस पर मार्कर होता है प्रोस्टेट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं, इसका टेस्ट भी होता है, लोग करता है, पीएसए बोलते हैं इसको, पीएसए प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन। आ गया पीएसए, मतलब समझ लो उसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या प्रोस्टेट का कैंसर हो गया है। प्रोस्टेट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आदमी को मिच्यूरेशन यानी यूरिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा, स्पर्म भी लीक हो जाएगा, स्वप्न फॉल जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्वप्न दोष, नाइट फॉल, या उसका ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस उसमें यूरिन आ जाएगा, ड्यूरिंग इजेकुलेशन उसमें यूरिन आ जाएगा, बहुत तरह के दिक्कत होते हैं, तो ये सब हो जा सकता है। इस प्रोस्टेट का क्या करता है, प्रोस्टेट को हटा के निकाल देता है, ज्यादा गड़बड़ हो जाता है तो। लेकिन प्रोस्टेट को हटा के निकाल देगा तो आदमी क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, तो जनरली प्रोस्टेट भी बढ़ता है बहुत 60 साल की उम्र में, उस समय इनफर्टाइल हो भी गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, तब तक उन लोग का बाल बच्चे सब पोता पोती हो गया रहता है, तो बट ये अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो ही जाते हैं। ठीक है, फिर प्रोटियोलाइटिस टाइम्स है एंड जी मोस्ट इम्पोर्टेंटली जी, सब लोग अपना म्यूट करो ना, आवाज सर का फिर इको हो रहा है। कौन है? हाँ ठीक है, म्यूट है। ओके, अब देख लो इसमें जिंक, जिंक जो है मेटल आयन, डायवेलेंट केटायन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका लेवल जो है, अगर जिंक नहीं होगा सीमेन में तो फिर उसका वो जो है इनफर्टाइल हो जाएगा, तो जिंक का लेवल 135 से 40 मिलीलीटर हेल्दी मैन में होता है। जिंक सर्व्स टू हेल्प टू स्टेबलाइज द डीएनए कंटेनिंग क्रोमेटिन इन द स्पर्म सेल। तो यह जिंक जो है स्पर्म सेल का जो डीएनए है हैप्लॉइड कंटेंट, उसको सुरक्षित रखता है। ए जिंक डिफिशियंसी मे रिजल्ट इन लोअर्ड फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड स्पर्म फ्रेजिलिटी। जिंक की वजह से, क्योंकि वो मूव करेगा सेल, और उस सेल के आगे में ही, स्पर्म सेल के आगे में ही न्यूक्लियस है, डीएनए बैठा हुआ है एक्रोसोम के नीचे, और वो पेनिट्रेट करता हुआ, भागता हुआ रॉकेट के जैसा आगे जा रहा है। तो जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे कोई गाड़ी है मूव करेगा, अगर एक्सीडेंट करेगा तो उसके आगे वाले बम्पर पर पहले चोट लगेगी ना, डैमेज होगा। तो यह स्पर्म जितनी बार भी टकराएगा इधर उधर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वॉल में या किसी दूसरे सेल से, तो उसका जो भी डैमेज होगा आगे का एक्रोनिम और वो न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा। तो क्या होगा नतीजा, एक तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा स्पर्म डैमेज हो जाएगा उसका न्यूक्लियस। तो अगर वो डैमेज न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेगा तो रिजल्टिंग एम्ब्रियो क्या होगा, बढ़िया से डेवलप नहीं होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, या बच्चा क्रोमोसोमल एबरेशन हो गया, या कुछ भी जन्म भी हो गया तो पागल हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक डिफिशियंसी में रिजल्ट इन लोअर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी भी कम हो सकती है, प्लस जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा। जिंक डिफिशियंसी कैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब चौथा जो है वह है ऑर्गन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका सिक्रीशन कंट्रीब्यूट टू द सेमिनल फ्लूइड सिक्रीशन लेस देन 1%। इसमें क्या होता है, गैलेक्टोज म्यूकस सर्व टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म सेल्स इन द वेजाइना। मतलब थोड़ा सा ये आप ल्यूब्रिकेशन दिया म्यूकस एंड सर्वाइक्स बाय क्रिएटिंग ए लेस विस्कस चैनल फॉर द स्पर्म सेल्स टू स्विम थ्रू एंड प्रिवेंटिंग देयर डिफ्यूजन आउट ऑफ द सीमेन।
कंट्रीब्यूट्स टू द कोहेसिव जेली लाइक टेक्सचर ऑफ सीमेन प्री इजेकुलेट एंड सियालिक एसिड। ठीक है, सो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है उस सिक्रीशन इज अ मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स एंड प्री इजेकुलेट ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्री इजेकुलेट क्या होता है, इजेकुलेशन में तो सीमेन निकलेगा लेकिन इजेकुलेशन से पहले देयर इज ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ प्री इजेकुलेट विच रिलीजेस आउट ऑफ विच रिलीजेस। ठीक है, तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग कहां होता है, सिंथेसिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में। तो ये प्री इजेकुलेट का क्या काम है, दिस प्री इजेकुलेट प्रोवाइड्स द ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, हेल्प करता है कॉपुलेशन में एंड सियालिक एसिड। स्पर्म ट्रांसपोर्ट आफ्टर इजेकुलेशन स्पर्म स्विम इन एन एमलेस फैशन, जिधर उसको जगह मिले, जिधर उसको रास्ता मिले, जिधर उसको डायरेक्शन मिलेगा उधर वो एमलेस फैशन में हेड जिधर है उसका उधर चलते चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिधर उसका टेल है उस डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, जिस डायरेक्शन में उसका हेड है उस डायरेक्शन में जाएगा, बट इन एमलेस फैशन, दाएं बाएं आड़ा तिरछा ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता है। स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज असिस्टेड बाय द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, इजेकुलेशन से पहले तक, थोड़ी देर पहले हम बताए हैं, इजेकुलेशन से पहले तक जो स्पर्म मूव कर रहा है या सीमेन मूव कर रहा है, दैट मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एग्जर्टेड फ्रॉम, तीन तरह का था, सेमिनल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है लगातार, एक उसका प्रेशर, ठीक है, वास आपका मस्कुलर वॉल का, हाँ, उसका जो ट्यूब का जो वॉल है उसका, इपिडिडाइमिस का, और लेकिन जब वह इजेकुलेशन होने के बाद फीमेल जेनिटल ट्रैक में चला गया उसके बाद मूव कैसे करेगा, टेल तो उसके पास है ही, एनर्जी भी है, अपना भी मूवमेंट करेगा, प्लस असिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, असिस्टेड बाय, क्या लिखा हुआ, असिस्टेड बाय, फुल्ली नहीं, असिस्टेड बाय, वो अपने से भी चल रहा है साथ ही साथ उसको असिस्टेंस भी मिल रहा है बाय द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्शंस प्रोपेल द स्पर्म टू द विसिनिटी ऑफ द ओवरी, और इस सब के नतीजे से क्या मिलता है हमको, कॉन्ट्रैक्शन होते होते, प्रोपेल होते होते स्पर्म जो है विसिनिटी ऑफ द ओवरी, ओवरी के अगल बगल तक पहुंच जाता है। इन एनिमल्स विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन द टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स रीचिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज स्मॉल। ठीक, इन रैबिट स्पर्मेटोजोआ कंप्लीट देयर अपवर्ड जर्नी इन 4 आवर्स, ये एक एग्जांपल है, तुम लोग देख लो, 4 घंटा लगता है रैबिट में, ठीक है, उस कहां तक, ओवरी तक पहुंचने में, या ओवरी तक या एग तक, ओवरी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ओवरी से एग निकल के फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है, वहां तक पहुंचने में 4 घंटा लगा रैबिट को आफ्टर इजेकुलेशन, यानी सेक्स करने के बाद 4 घंटा वो स्पर्म ट्रेवल करते रहा उसके बॉडी में, उसके बाद वो फर्टिलाइज हो गया। वेयर एज इन काउ एंड सीप द टाइम इज स्पेंट अबाउट 5 मिनट्स, I F 5 5, एक सेकंड मेरे को चेक करूं, 5 मिनट सही लिखा है क्या, have a doubt, हाँ ठीक है, 5 मिनट, the time is spent, the time space spent is about 5 minutes and human spermatozoa take 70 minutes, in human it takes 70 minutes to reach their destination, destination क्या है, egg, egg कहां पर, fallopian tube में। sperm viability मतलब, sperm viability मतलब
एक बार इजेकुलेशन हो गया, अभी तो स्पर्म जिंदा है, वो कितना देर तक जिंदा रहेगा, कितना देर तक उसका फर्टिलाइजेशन करने का पावर है, ताकत है, उसके बाद वो फिर खराब हो जाएगा, इसी को बोलते हैं स्पर्म वायबिलिटी, कितना देर तक वो कर सकता है। तो फॉलोइंग द डिपोजिशन इन वेजाइना द स्पर्मेटोजोआ मस्ट सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू मेक देयर वे थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। यानी इसका आप देख रहे हो यहाँ 5 घंटा लग रहा है, किसी में 5 मिनट, किसी में 70 मिनट, तो कम से कम स्पर्म जो है इतनी देर के लिए वायबल होना चाहिए जिसमें कि वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक को पूरा पार कर जाए, उतना देर तक होना चाहिए उसको। इट इज ऑब्जर्व दैट द मोटिलिटी लास्ट मच लॉन्गर देन द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग आउट द फर्टिलाइजेशन। तो जब स्पर्म नष्ट होता है, खराब होता है, तो सबसे पहले उसका कैपेसिटी ऑफ कैरिंग आउट फर्टिलाइजेशन गया। तो कैपेसिटी ऑफ कैरिंग आउट फर्टिलाइजेशन जाने के बाद भी उसमें टेल का जो मोटिलिटी फंक्शन है वो फिर भी मौजूद रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन रैबिट द स्पर्मेटोजोआ लूज देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज आफ्टर अबाउट 30 आवर्स। 30 घंटा के बाद रैबिट में स्पर्मेटोजोआ बेकार हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का पावर खो देता है 30 घंटा में, ठीक है। लेकिन पहुंचता है कितना घंटा में रैबिट में, अभी थोड़ी देर पहले बताया 4 घंटा में, लेकिन उसको टाइम कितना देर का दिया हुआ, 30 घंटा का। यानी इजेकुलेशन होने के बाद जो स्पर्म निकला वो 30 घंटा तक भी ट्रेवल करेगा तो वो फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन ये 4 घंटा में पहुंच जाता है, यानी ये 30 घंटा इज सफिशियंट टाइम। क्लियर है। आवर्स इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट व्हाइल देयर मोटिलिटी लास्ट अप टू 2 डेज और मोर, लेकिन उसका टेल का जो मोटिलिटी है, उसका स्विमिंग फंक्शन जो है वो 2 दिन तक भी रहता है, ठीक है। इन माउस द फर्टिलिटी एबिलिटी इज 6 आवर्स एंड इन हेन इट इज अबाउट 3 वीक्स। ये सब पढ़ लेना खुद से। द वायबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ मे बी अफेक्टेड बाय सर्टेन हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशंस। वायबिलिटी एनवायरमेंटल कंडीशन से भी अफेक्ट होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई इन द मेल मे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से मेल में क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो विटामिन ई इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय फर्टिलाइजिंग पावर ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स आर सेंसिटिव टू पीएच ऑफ द मीडियम इन विच दे आर लिबरेटेड। दे कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अल्कलिनिटी बट ए स्लाइटली एसिडिक कंडीशन इज फटाल, ठीक है। कंसिडरेबल डिग्री ऑफ एल्कलिनिटी यानी फिजियोलॉजिकल पीएच 7 तक तो वो ठीक है, सुरक्षित है 7 तक। 7 से जहां नीचे होगा उसका, उसके लिए एडवर्स कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होता है, सीमेन का पीएच और फीमेल जेनाइटल ड्रग का पीएच दोनों मिल करके, ये थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है, दोनों मिल करके पीएच को ला देता है अराउंड 7। तो वो 7 पीएच इज परफेक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, विच इज देन दे कैन विथस्टैंड कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अल्कलिनिटी बट ए स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन भी फेटाल होता है। स्लाइटली एसिडिक कंडीशन मतलब 7 से थोड़ा सा भी नीचे, 6.9 6.8 भी इसके लिए फेटाल होगा। इन मैमल्स एसिडिटी ऑफ वेजाइना ऑफ द फीमेल इज ए कॉमन काउज ऑफ स्टेरिलिटी। हाँ, फीमेल्स में स्टेरिलिटी भी हो जाता है इसकी वजह से। कैसे होगा स्टेरिलिटी, कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक जो है ज्यादा अगर एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक अगर होगा तो आफ्टर मीटिंग विद द सीमेन मिक्सर जब दोनों मिलेगा, तो अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो ओवरऑल जो पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक का। तो ओवरऑल एसिडिक पीएच हो जाएगा तो वो दैट विल बी फेटल फॉर द स्पर्म और वो अपना फर्टिलाइजेशन का पावर खो देगा, तो उस वो औरत जो है बांझ कहला जाएगी। तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब एसिड है वही स्पर्म को मार दे रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका पोर्शन जो
गिंधा तुम टाइप टाइप करके भेजो क्योंकि ये तुम्हारी आवाज जो पूछना है टाइप करके भेजो क्योंकि आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? ये टॉपिक खत्म हो रहा है यहां पर। आगे हम लोग ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ओजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस। किसी को कोई दिक्कत है? ये नोट मिल जाएगा आप लोगों को। इस गिंधा को बोल देना क्लास में पूछ लेगी क्योंकि यहां पर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, या टाइप करके भेज सकते हो तो भेजो। ठीक है। हेलो, यस सर। कुछ पूछना तो नहीं है? क्लास में पूछ लेना। यस सर। नो सर। एनवायरमेंटल कंडीशन लगता नेटवर्क गड़बड़ है। इस गिन्ना का आवाज कट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अच्छा, क्लास में पूछ लेना, क्लास में बताऊंगा। 10-11 बजे से क्लास भी है, समझ गए? आज आ जाना क्लास में सब लोग। ओके सर। ठीक है, अभी बाय बाय। ये तुम्हारा एक सेकंड सिलेबस मैं शेयर कर रहा हूँ, देख लो तुम लोग सिलेबस कहाँ गया। सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पॉइंट था ना, कहाँ गया सिलेबस? यस सर। रुको रुको रुको, कहाँ गया सिलेबस? यस सर, 1.1 कंप्लीट हो गया। सेलुलर बेसिस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड बायोकेमिस्ट्री। सिलेबस देखो तुम लोग, सिलेबस देख रहे हो? दिख रहा है सिलेबस? यस सर। इसमें गैमेट बायोलॉजी जो यूनिट 1 है हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे लंबा यही है सेलुलर बेस। इसमें 3-4 यूनिट पॉइंट घुसा दिया समझ लो, ये बहुत लंबा चला, ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग ओवेरियन फॉलिकुलर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ओजेनेसिस एंड विटेलोजेनेसिस 1.2 और 1.3, ये दोनों को एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद 1.4 और 1.5 इन दोनों को भी एक साथ कवर कर देंगे। क्लास में आ जाना आप लोग, क्लास में अटेंडेंस भी होगा। चलो बाय बाय, सब लोग तैयारी करो, अपना आने का तैयारी करो, ब्रश करो, मुंह करो, नहाओ धो, खाओ पियो। ठीक है, चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।